बेटा पानी पी। चाचा आपने रियान को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो उसे 6 महीने से ये कहकर टाल देता हूँ कि तुम्हारा भाई वर्कशॉप लगाने के लिए बाहर गया है, बस आने ही वाला है। शुक्रिया चाचा। भैया आप आ गए। अरे हम तेरे बिना कहीं रह जाते, इतना टाइम आना ही था घर पे। तो अब मैं कहीं आपको जाने भी नहीं दूंगा। और अब मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। भैया ये देखो, आपके जाने के बाद मैंने कितनी ड्राइंग्स बनाई हैं। अच्छा दिखा तो। अरे वाह यार, ये पढ़ो मैंने क्या लिखा। अच्छी ड्राइंग्स। अब ये तो ही पढ़ के बताएगा तूने लिखा तो। नहीं भैया आप पढ़ो। अरे नहीं यार तू सुना चल। ड्रीम हायर देन द स्काई, थिंक डीपर देन द ओशन। अरे वाह मेरा भाई तो इंटेलिजेंट हो गया। भैया अब मैं खेलने जा रहा हूँ। चल ठीक है। अरे ध्यान से जाना, फिर मत जाना कहीं। सो द अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी राइटर गोज टू माय ऑल टाइम फेवरेट आदित्य ओबेरॉय। कंपटीशन की डेट आ रही है। हाँ आने दो, हमें क्या चिंता, जिसकी चिंता थी वो तो अंधा हो गया। अरे चाचा जब भी कुछ चाहिए हो मुझे बता देना। ठीक है चाचा। कौन?
हमें भूल भी गया। अरे लगता तो है रब और पुल की दोनों। कैसे ब्रो, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? प्रैक्टिस तो बढ़िया, तेरा बता, तेरी चोट कैसी है? बस पहले से फर्क है थोड़ा। लो बेटा जूस पी लो। कुछ नमकीन है चाचा? हाँ जरूर। ये लो, बैठ जाओ चाचा। पता चला कि वो सच में एक्सीडेंट था या किसी की साजिश थी? अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर कोशिश कर रहे हैं। मुझे कौन मारेगा? बहुत अच्छा लगता है जब हर बार आदित्य ये ट्रॉफी जीत के लाता है। ट्रॉफी की बात तो ठीक है, पर खुशी के आंसू तेरी आंखों में। कोई भी काम हो तो मुझे बुला ले। ठीक है चाचा। बेटा आदित्य, डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ उन्हें अंदर ले आओ। तबीयत ठीक है आदित्य बेटा? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी बस ठीक है, पहले से तो फर्क है। मेडिसिन लेते हो सही हो जाओगे आप। थैंक्स डॉक्टर साहब। मैं कोई दवाई लिख रहा हूँ। डॉक्टर साहब आदित्य देखने तो लग जाएगा ना? बिल्कुल, ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, टाइम टाइम पे देते रहना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ध्यान रखो करो अपना। हाँ हाँ तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अरे अरे कोई आया शायद। आदित्य अरे अरे चल मैं बाद में बात करता हूँ, रब और पुल की ताई। हाँ 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 बाय बाय। ओके बाय। अरे तुम दोनों आज शाम को कैसे? हमने सोचा है तुझे बात के बारे में बातें। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर चले। चलो 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 फिर चाचा, जब तक हम आते हैं जूस बना कर। मैं आपके लिए जूस और खाना बना के रख जाऊंगा, आके खा लेना, मुझे नींद आ रही है मैं सोने जा। Thank you.
तो स्नो कंपटीशन के लिए फोन आ गया। अच्छा चल प्रभ, अंधेरा हो रहा है, एक राउंड लगवा कर चलते हैं। चलो यार 8 महीने हो गए मुझे घर से बाहर निकले हुए। आज मैंने 8 महीने बाद बाहर की हवा महसूस की है। काश आप जैसे भाई भगवान सबको दे। अरे हाँ सच में, चाचा को जूस के लिए बोला था, देखना पड़ा होगा यहाँ। हाँ हाँ पड़े। अरे आप भी तो ले लो। हाँ हाँ क्या हो गया तुझे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खांसी आ रही है। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज? जा प्रभु ने क्या? कैसा सरप्राइज? रुक जा। बताओ भैया। पर ये हमारी फोटो है। वाह क्या बात है। हम चारों भाइयों की। इसे इसे ऐसे करो, यहाँ रख दो। हाँ हाँ। और हाँ चाचा, तेरे लिए खाना भी बना के गए थे, ला दूं? अरे नहीं मुझे भूख नहीं है। चल फिर अब चलते हैं। चलो ठीक है। हाँ कल मिलेंगे। चाचा भैया 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 चाचा चाचा। Thank you.
हाँ बोस कर दा बाद गल। हाँ भाई पैसे दी। कौन से पैसे? याद करावा तेनू हुण। Feeling dejected to tell. As you guys can feel in my melancholic voice that he is no longer with us, but he is still pounding the hearts of many and raising pulse rates of all of us. Following the previous trends, this time to the Best Story Writer Award goes to Mr. Aditya Oberoi. Sir, you will always be alive in our beating hearts.